हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि माता जय गोपाल। पूर्व के दिन में भी आपसे चर्चा हुई थी, श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ में भारत का अपितु विश्व का सबसे वृहद सबसे बड़ा जो धन्वंतरी चिकित्सालय बनने जा रहा है, इसकी कल्पना आप ऐसे समझिए कि जिस प्रकार से एम्स है, अपोलो है, ये बड़े बड़े अस्पताल मानव समाज की सेवा के लिए है, ठीक इसी प्रकार का वृहद और विशालतम गो चिकित्सालय श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ में स्थापित होने की एक वृहद योजना बनी है। कल भी आपसे चर्चा हुई थी, श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा आप सब परिचित ही है। 1993 में संत हृदय में जो करुणा व्याप्त हुई, उस करुणा से इस महान संस्था का बीजारोपण हुआ। 1993 में 8 गोमाताओं से प्रारंभ हुआ यह प्रकल्प, लगातार आगे बढ़ता हुआ 1999 में भयंकर दुर्भिक्ष में कत्ल खाने जाते हुए सैकड़ों ट्रकों से गोवंश को बचाने के साथ 1999 में 1,00,000 के आसपास गोवंश श्री गोदाम पथमेड़ा की संस्थाओं द्वारा संधारित हुआ। 2002 से 2004 तक भीषण अकाल पश्चिमी राजस्थान सहित देश के मुख्य सारे भागों में पड़ा। परिणाम यह हुआ कि गोदाम पथमेड़ा के कार्य का अत्यंत ही विस्तार हुआ। 250 से 60 केंद्रों पर 2,80,000 गोवंश की प्रत्यक्ष सेवा यहां पे हुई। भगवान की कृपा से इंद्र देवता ने अमृतमयी वारिश की, फलस्वरूप जो गोवंश गौशालाओं में था, जो दुधारू हो गया, जो बैल अच्छे थे, जो किसान के लिए उपयोगी गोवंश था, उसका वितरण हुई। 2004 से निरंतर कभी भी गोदाम पथमेड़ा द्वारा 1,00,000 से कम गोवंश की सेवा नहीं हुई। यहां एक विषय ध्यान देने योग्य है, ये जो 1,00,000 गोवंश की सेवा निरंतर 2004 से जारी है, इसमें अधिकांश गोवंश बूढ़ा है, बीमार है, अपंग है, और इस प्रकार का गोवंश है जिसको निरंतर सेवा की आवश्यकता है। कत्ल खाने जाते हुए गोवंश को छुड़ाते हैं, एकदम कुपोषित गोवंश वहां पे होता है। यह भूमिका का वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं, धन्वंतरी चिकित्सालय बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। इस प्रकार का जो ये गोवंश निरंतर गौशालाओं में रहता है, इसके लिए विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। अभी वर्तमान में गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा की मातृ संस्था जो पथमेड़ा में स्थापित है, उसके अतिरिक्त जितने भी केंद्र हैं, उनमें वर्तमान में 1,25,000 गोवंश की सेवा हो रही है, और उसमें 40,000 से अधिक गोवंश तो इसी प्रकार का है जो बूढ़ा है, बीमार है, अपंग है, और जिनको निरंतर बहुत अच्छी सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता है।
बंधुओं, धन्वंतरी चिकित्सालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है। जिस प्रकार से मनुष्य के लिए आईसीयू वार्ड बनता है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का वहां इलाज होता है, ऐसी ही कल्पना धन्वंतरी चिकित्सालय के माध्यम से की गई है। इस धन्वंतरी चिकित्सालय के माध्यम से 14 वार्डों का गठन किया जाएगा, रचना की जाएगी, जिस एक एक वार्ड में एक एक गहन बीमारी का इलाज होगा। जैसे अंधापन की बीमारी, जलन, चर्म रोग, गर्भाशय के रोग, फेफड़ों की तकलीफ, प्रसूति की तकलीफ, पाचन व पेट संबंधी तकलीफ, कैंसर की बीमारियां, विकलांगता की बीमारियां, एक्सीडेंट की बीमारियां, इन सारी बीमारियों के लिए अलग अलग वार्ड बनेगा और वो पूर्ण सुविधाओं से युक्त होगा। महंगी से महंगी मशीनें लाकर, महंगे से महंगे उपकरण लाकर इस चिकित्सालय में एकत्रित करके गौ माता की जितनी बढ़िया सेवा हो सकती है उतनी बड़ी सेवा यहां पे की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा चिकित्सालय जहां स्थापित हो रहा है वो ये क्षेत्र है श्री मनोरमा गोलोक तीर्थधाम, जहां पे प्रत्यक्ष 10,000 12,000 15,000 गोवंश हर समय है। ऐसे गोमाताओं के बीच में इन बीमार गोमाताओं की सेवा की एक योजना बनी है। इस योजना में हमारे बहुत से गोभक्तों ने अभी कुछ समय पूर्व इसी परिसर में गोभक्त पाठशाला का आयोजन हुआ। उस पाठशाला में हमारे देश के जो कार्यकर्ता है, गोभक्त है, उन्होंने अपने पुण्य से कमाई हुई राशि को अर्पण करने का निश्चय किया। इस धन्वंतरी चिकित्सालय की सदस्यता हेतु हमने 4-5 भाग बनाए। कॉरपोरेट सदस्य, 11 लाख या अधिक की सेवा करने वाले इसके कॉरपोरेट सदस्य होंगे, कॉरपोरेट गो भक्त होंगे। 5,01,000 की सेवा करने वाले होंगे, 2,51,000 की सेवा करने वाले अति विशिष्ट गो भक्त होंगे, 1,11,000 रुपए की सेवा करने वाले विशिष्ट गोभक्त और एक गोमाता की, सारी गोमाताओं की एक दिन की बीमारी में सेवा करने के लिए 61,000 रुपए की राशि प्रदान कर एक दिन की सेवा का हम लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ गोभक्तों ने अपनी घोषणाएं गोभक्त पाठशाला में उच्चारित की थी, समर्पित की थी। मैं उनका इस मंच के माध्यम से पुनः घोषणा करता हूं। श्री श्याम जी नंदू जी राठी, पुत्र श्री त्रिलोकचंद जी राठी, नवीन जी की पुण्य स्मृति में सूरत से 11 लाख रुपए का सहयोग प्रदान किया। कॉरपोरेट सदस्य के रूप में मंच पर पधारे श्याम जी और परिवार के सदस्य। स्वर्गीय दापू कंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय ठाकुर भोपाल सिंह जी राजपुरोहित की स्मृति में उनके पुत्र श्री विजय सिंह जी द्वारा ठिकाना रंदीसर जिला चूरू हस्तेलाल सिंह जी सूरत भी 11 लाख रुपए की राशि देके कॉरपोरेट सदस्य बनी है। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कराएं, क्योंकि आपकी तालियों से ही इन गोभक्तों का हौसला बढ़ेगा। जोरदार तालियों से अभिनंदन कराएं। स्वर्गीय ठाकुर तेज सिंह जी राजपुरोहित की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसवंत कंवर द्वारा ठिकाना तिवरी हस्ते अर्जुन सिंह जी हाल अंकलेश्वर द्वारा भी 11 लाख रुपए कॉरपोरेट सदस्य के रूप में सहयोग प्रदान किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन कराएं। मैं एक और जानकारी देना चाहूंगा, ये जो धन्वंतरी चिकित्सालय का ये प्रकल्प है, ये एकमात्र प्रकल्प नहीं है गोदाम पथमेड़ा का। इसके अतिरिक्त 3 बड़े अस्पताल अभी भी संचालित हो रहे हैं। इस समय बाबर गुजरात में, बाबर का गो चिकित्सालय, टेटोड़ा डीसा के पास में गो चिकित्सालय और आनंदवन पथमेड़ा का गो चिकित्सालय संचालित हो रहा है, और एक और गो चिकित्सालय राजस्थान मरुधरा में बाड़मेर में भी स्थापित हो रहा है, उसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। और यह धन्वंतरी गो चिकित्सालय इन सारे चिकित्सालयों से भी बहुत वृद्ध और बहुत सुविधा युक्त होगा। और इन 3 बड़े केंद्रों के अतिरिक्त विभिन्न केंद्रों पर छोटे छोटे 20 से अधिक
चिकित्सालय है जो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बनासकांठा, पाटन, मेहसाना आदि जिलों में संचालित है। श्रीमती मीनू देवी तथा पुत्र श्री ऋषि प्रसाद जी व रोहित जी, आपने 11 लाख रुपए घोषणा करकर कॉर्ड यही तक नहीं, आपने इस धनवंतरी चिकित्सालय में जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, मशीनें लगने वाली है उसके लिए भी 51 लाख रुपए की घोषणा की है। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन कीजिए। श्रीमती मीनू देवी पुत्र श्री एवं पुत्र श्री ऋषि प्रकाश जी, रोहित जी, श्री संदीप जी पोद्दार सूरत, आपने भी 11 लाख रुपए राशि प्रदान कर कॉरपोरेट सदस्यता ली है। श्री बालकिशन जी राठी, कल हमारे बालकिशन जी राठी ने 51 शेड की घोषणा की थी, ऐसे हमारे बालकिशन जी राठी ने 11 लाख रुपए से कॉरपोरेट गोभक्त की सदस्यता ग्रहण की है। श्री मालाराम जी मनोरा सूरत, 11 लाख रुपए कॉरपोरेट गोभक्त के रूप में आप भी बने हैं। श्री तुलसीबाई, श्री तुलसीबाई